हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सरिता चौधरी और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में और मेरा गांव का नाम है माठा। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। और अभी धूप निकल रही है धीरे धीरे करके हमारे गाँव की तरफ। और यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी कितनी सुंदर खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही हैं, देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ी। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच से आज हमारा जो हमारा उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, तो आज हमारे यहाँ फूलदेही मनाते हैं। मतलब फूलों को हर किसी के घर में बिखराते हैं। और जब हम छोटे थे तो हम बहुत जाते थे, लेकिन ऐसा है ना, गांव में कोई भी छोटा बच्चा नहीं रह रखा है ना, लोग बाहर चले गए हैं पढ़ाने अपने बच्चों को, तो इसीलिए आज मतलब कोई नहीं है। तो मैंने कहा थोड़े फूल तोड़ के अपने घर पर बिखरा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ शुभ मानी जाती है। और मतलब अब इतने बड़े हो गए कि नहीं जाते, फिर भी मैंने कहा था मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे को ध्यान, अगर जल्दी उठ जाती तो फटाफट मतलब ये फूल को तोड़ के सबके घर में बिखराते। पर चलो कोई नहीं, अपने घर से शुरुआत करते हैं। और फूलदेही की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नाश्ता बन चुका है हमारा, तो आप खाते हैं नाश्ता थोड़ी देर में। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा जुकाम लग गया, जिसकी वजह से मैं मतलब फूलदेही सुबह सुबह मनाना था लेकिन नहीं मना पाई। और लेकिन अभी मैं फूल तोड़ के अपने घर में बिखरा लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैं पूरे गांव में नहीं गई, क्योंकि बचपन की कुछ यादें हमें अभी तक याद है कि हम कैसे जाते थे, और वही चीज़ को मैं दोबारा दोहराना चाहती थी, लेकिन ये है ना, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो इसलिए नहीं जा पाई मैं। फिर भी थोड़ा फूल तोड़ते हम तीहे फूल कैसे तोड़ेंगे। तो ये कुछ फूल हैं, पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे हम। ये है हमारा मंदिर। मंदिर में मैंने पूजा पाठ कर दी है और वहाँ पे फूल बिखरा रखे हैं। तो अपने चौक में अपने जो दरवाजा है मेन, वहाँ पे फूल फहराऊंगी और यहाँ पे भी डाल देती हूँ, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गिर गया हाथ से। यहाँ पे कुछ फूल डाल दिए मैंने, अब चलते नीचे। तबने दरवाजा भी डाल दिया है। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद चलते हम खेत, क्योंकि खेत की खुदाई बहुत रह रखी है। तो चलते हम चाय चू पीते हैं। सादे वाले परांठे बना रखे हैं, मतलब जो बोलते हैं ना बिना आलू वाले, तो वो बना रखे हैं। जुकाम भी लग रहा है, क्या करना, खाना तो है ही। तो यहाँ पे परांठे और चटनी खाएंगे। Thank you.
आ गई थी खेत से और खाना वाना खा लिया है। दीदी जा रही है खेत में और मैं गुड़िया का इंतजार करूंगी अगर उठ। शाम की बज रही है 3 और इस टाइम पे सब लकड़ियों को चले गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से। जिस भाभी के साथ में डेली जाती हूँ वो नहीं आ रही है, उनका घर में बहुत काम है तो उन्होंने मना कर रखा है कि मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं चल लेती हूँ फटाफट, क्योंकि लकड़ियाँ भी क्यों छोड़नी, क्योंकि बांझ ही है ना, हमने जो बांझ काटा है उसकी बची हुई लकड़ियाँ हैं, तो उनको लेने जा रहे हैं अभी, तो चलते हैं। तो रात की बज चुकी है 9 और मैं अभी जा रही हूँ भाभी लोगों के घर पे, क्योंकि हमारा जो झुमेलों में पैसे मैंने इकट्ठे हुए थे तो उनका आज हमारे वहाँ जो बोलते हैं हमारी पहाड़ी मिठाई, जो हमारी गढ़वाली मिठाई होती है रोटाना, तो वो बना रहे हैं, तो चलते हैं हम। तो भाभी लोगों के घर पहुंच गई हूँ मैं अभी और यहाँ पे बन रही थी पहाड़ी मिठाई रोटाना, और यहाँ पे चाची आटा गूंद रही थी उसके लिए, और कोई पका रहा था तो कोई बेल रहा था, बेलना बोले तो छापे होते इसके, तो उस पर डिजाइन बन जाता है, जैसे गुजिया के होते हैं उसी प्रकार के होते हैं इस रोटाने के छापे भी अलग ही होते हैं। और तो आप लोग भी इसको घर पे बना सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, इसमें आपको नारियल कसा हुआ चाहिए और गेहूं का आटा चाहिए, और जो गुड़ होती है उसको पूरा मेल्ट होने देना चाहिए, मतलब पानी की तरह उसमें मिक्स कर देना चाहिए गर्म पानी में, जिससे वो गुड़ क्या होता है गल जाता है, और उससे तब जो ये रोटाने का आटा होता है उसको गूंथते हैं। इसमें दूध भी डाल सकते हैं आपको और सौंफ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इनको जैसे गुजिया की तरह छापे होते हैं इसके, हमारे पहाड़ों में अलग ही होते हैं। तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रही वहाँ पे, उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो आप चाहते हो तो आप भी अपने घर पे ऐसा बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं हमारे पहाड़ी मिठाई जिसको रोटाना कहते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। रोटाना होता है उसको तेल में इस तरह से डालते हैं और उसके बाद उसको निकाल देते हैं थाली पे, जब वो मतलब क्या होता है ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो निकाल देना चाहिए, वरना वो जले हुए भी बेकार हो जाते हैं। फिर देख सकते हैं आप रोटाना पक जाने के बाद ऐसे दिखते हैं। तो कल मैंने अपने वीडियो का एंड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे इतनी खांसी हुई थी, इतनी खांसी कि मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया काम, उन्होंने किया, मैं थोड़ी देर रही, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, उन्होंने कहा तू जा ले घर हम बना लेंगे, तो मुझे क्योंकि इतनी खांसी हो रही थी उस तेल के जो वो होता है ना धुआं, उससे कुछ ज़्यादा ही खांसी होने बैठ गई थी मुझे। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, उसके बाद अपना वीडियो को एंड करती, मिलती आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।